खरगोन समीप ग्राम कुकडोल में करीब 5 दिन पहले रुपयों के लेन देन में कियोस्क सेंटर संचालक पर चाकू से किए गए हमले का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट सेंटर संचालक के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने शिकायती आवेदन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की मांग की। सेंटर संचालक ने बताया, आरोपी को पुलिस ने एक दिन हिरासत में लेकर छोड़ दिया, जबकि उसने जान से मारने की दोष दी है। उसे आरोपी से जान का खतरा है। पीड़ित संजय चौहान ने बताया, गांव में कियोस्क सेंटर चलाता है। वहां आए दिन लोग रुपए निकालने के लिए आते हैं। सुबह करीब 11 बजे गांव का दिनेश उनके सेंटर पर आया और 70,000 रुपए की मांग की। वह शराब के नशे में था। संजय ने कहा, इतनी राशि नहीं है। यह सुन दिनेश गाली गलौज करने लगा। एएसपी ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संजू दुकान पे जो छोरा आया था कोहली का, इनको पार्ट पेमेंट को कैश को बैंक 10,000 देने थे की पात्रता है और इनसे 70,000 रुपए की मांग करी। इतना बैलेंस न होने से इनको मना किया और वारदात को अंजाम दिया। दिन भर शराब पीना, गलियों में घूमना, यहाँ से वहाँ तक रोड तक जाना, लोगों को चमकाना, डराना। वहाँ से स्कूल की छात्राएं भी जाती है, छात्राएं छुट्टी के समय से वापस आती है, फिर वावरा घूमता, फिर भी गाली गलौज का इस प्रकार की प्रकृति का कारण करता है। और उसके लिए हम एसपी साहब के पास भी आए हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इनको 2 बजे 2:30 बजे के लगभग की हम कार्रवाई पूर्ण कर देंगे। दिया है मेरा गिरवर सिंह। क्या घटना क्या होती है आपके साथ? वो गालियाँ दे रहा था मेरे को, मैंने उसको समझाया कि गालियाँ मत दो, कि बोले कि मेरे को 70,000 रुपये चाहिए। मैंने कहा 70,000 रुपये नहीं है, बोले कि तेरी माँ बहने कर दूंगा, मेरे को 70,000 रुपये चाहिए। ऐसे कैसे देगा, मैं दादा आदमी हूँ यहाँ का, नहीं तूने दिया तो मैं तेरी टांग तोड़ूंगा। और मैं एक टांग खींच के गया, तोड़ने का बोला है और चाकू ले आया घर से, हमला करा है और ऐसा बोला कि अभी तो मैंने हाफ मर्डर किया, बाद में आऊँगा तेरा फुल मर्डर करूँगा, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ूंगा और तेरे में दम हो तो दुकान खोल के दिखा दे, ऐसा बोल रहा है मेरे को। और जैसे यहाँ से छूट के गया, गालियाँ दे रहा है नंगी नंगी। अभी आप साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? साहब ने बोला है कि उसके खिलाफ केस करी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान। कब की घटना है ये? 11 तारीख को 12 बजे के आसपास की घटना। क्या और भी मतलब लोगों दूसरों को परेशान कर? हाँ, नंगी नंगी गालियाँ सब लोगों को दे रहा है, वो जो मिल रहा है उसको दे रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसको जेल में बंद कर दिया जाए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी जमानत जो हुई है वो भी निरस्त करके इसे वापस जेल में डाला जाए। क्या रहा है ये? लगभग 2 दिन पहले उडोल में एक वहाँ के नागरिक है संजय चौहान करके, उनके साथ एक व्यक्ति द्वारा मारपीट कर दी गई थी और उसमें उसके द्वारा जो है कोई चाकू की भी वार कर हमला किया गया था, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 324 ITC के तहत उसको प्रिवेंटिव गिरफ्तार भी किया गया और उसको कोर्ट में पेश किया गया था। तत्पश्चात कोर्ट से बैल होने पर वो छूटा है। उसके बाद उसके द्वारा पुनः कोई धमकी दी जाने पर उनके द्वारा उसके विरुद्ध पुनः कार्रवाई किए जाने हेतु एक आवेदन ज्ञापन के रूप में दिया गया है। उस ज्ञापन के संबंध में थाना प्रभारी को तत्काल निर्देश दिए गए हैं। मौके पर अभी हम पुलिस टीम भेज रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से उनके आवेदन पर जाँच कर अन्य हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।